मैं कंप्यूटर कोचिंग जाती थी तो उस रास्ते में उसका घर पड़ता था। फिर वो अपने घर से बाहर खड़ा रहता था। एक दिन मैं कंप्यूटर कोचिंग जा रही थी तो वो रास्ते में मुझे रोक के बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना है। तो मैंने बोला मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद से मैं वो रास्ता चेंज कर दी। फिर उसके बाद दूसरे रास्ते से आके बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तीसरे दिन मैं कोचिंग जाना बंद कर दी। चौथे दिन फिर वो आके मुझे गाड़ी में बैठवाता है, गाड़ी में खींच के बैठा के ले लेते हैं। सब दो लोग रहते हैं, सब अमन खान और आशुतोष वर्मा। फिर अमन खान वो मुझे गाड़ी में बैठा के ले जाके गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के पास ले जाके अमन खान मेरे साथ गलत करता है। वहाँ पे गलत करने के बाद वो वीडियो वायरल बना लेते हैं सब। मेरा कहते हैं सब वीडियो वायरल कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। और यहाँ तक कि ये तक बोल रहे थे सब कि मेरा धर्म अपना लो, अगर मेरा धर्म नहीं अपनाती हो तो 36 टुकड़े काट दूंगा। फिर मैं डर सहम गई। इसके बाद मैं किसी से कुछ नहीं बता रही थी डर के मारे। फिर ये सब होने के बाद मुझसे आए दिन बोलता रहा मेरा धर्म अपना लो नहीं तो 36 टुकड़े काट दूंगा। और यहाँ तक कि गौमांस गाड़ी में एक बार और बैठा के मुझे गौमांस खिला रहे थे सब। उसकी पूरी फैमिली मुझे गौमांस खिला रही थी। नहीं मैं धर्म नहीं अपनाना चाह रही थी फिर भी वो लोग मेरे साथ मारपीट धर्म अपनाने के लिए इतना जबरदस्ती। उसके बाद इस 1 तारीख को 1 जुलाई को उसके बाद उन लोगों ने मुझे किडनैप करा लिया। किडनैप करके नेपाल ले जाके बेच दिया। वो भी इन्हीं के आदमी थे जिसको मैंने देखा था। वो इन्हीं का आदमी था जो मुझे वहां तक बहला फुसला के ले गया। कहा कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। अब बहला फुसला के वहां तक ले जाने के बाद गाड़ी में 4 लोगों ने मुझे खींच लिया। खींच के लेके जाने के बाद वहां पे मेरे साथ बलात्कार किया। जब जब मैं होश आया तो जब गाड़ी में उन लोगों ने खींच लिया तब मुझे कुछ सुंघा दिए। सब होश बिल्कुल नहीं रहा। उसके बाद मुझे होश आया वहाँ पे। होश आने के बाद उन चारों ने गलत काम किया। फिर अमन ये बोला कि अमन ने तुमसे मजे लिए, हम भी मजे ही ले रहे हैं। अमन भी ऐसे ही बोलता था, ऐसे किए हैं वैसे किए, अमन खान ने तुम्हारे साथ ऐसे किया। अमन ने बोल अमन सब सब जितना जब तक मेरे साथ गलत काम किया सब अमन खान का नाम लेते रह गए सब। और अमन की अमन ने तुमको बोला था कि मार जान से मारने के लिए भी, लेकिन उसके पापा और वो दोनों बोले हैं सब कि अच्छा पैसा मिलेगा, बेच दिया जाएगा तो इसको। उसके बाद उन लोगों ने मुझे किसी आंटी के हवाले बेच दिया। वहां पे उन आंटी ने मेरे साथ और मुझे बोला कि तुम धंधा करो तुमको, अब महमूद खान ने बेच दिया है। उन लोगों ने मुझे धर्म ना अपनाने पे बेच दिया, मुझे नेपाल में ले जाके बुरे तरीके से। पूरा टूट चुकी हूँ। अमन खान के पिता महमूद खान, पूरी फैमिली मिली हुई है, उसकी मम्मी तक, पूरी फैमिली मुझे धर्म अपनाने पे फोर्स करती आ गई। ना अपनाने पे उन लोगों ने मुझे नेपाल में ले जाके बेच दिया। फिर वहां पे बेचने के बाद वहां पे मेरे से टॉर्चर किया जा रहा था कि तुमको धंधे पे बैठने के लिए मुझे जबरदस्ती मुझे तैयार किया जा रहा था। उसके बाद मैं जब नहीं तैयार हो रही थी तो मुझे दरवाजे में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद मैं खाना पीना छोड़ दी। उसके बाद वहाँ पे हमेशा एक लड़की आती थी। उस लड़की ने मुझे बोला कि देखो तुमको धर्म ना अपनाने पे बेच दिया गया है। तो उसके बाद वो लड़की मुझसे कहती है उस दिन कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वो लड़की आके मुझे वहां से कैसे भी निकालती है, नेपाल के अंदर ही छोड़ देती है। फिर उस बॉर्डर से मैं भागते भागते आती हूँ। फिर अपने घर फोन करती हूँ और कोतवाली फोन करती हूँ, सब जगह फोन करती हूँ कि मुझे बचा लीजिए लोग, अमन खान ने मुझे बेच दिया और महमूद खान ने, उसकी पूरी फैमिली मिली हुई है इसमें मुझे बेचने में और धर्म अपनाने में। मुझे अब मुझे मुझे नहीं सब में मुझे बचा लीजिए लोग प्लीज, उससे पूरी फैमिली।